मथुरा क्लास है आपका इस बार। तो अगर आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है तो वो थोड़ी देर में इंशाल्लाह सही हो जाएगी जी। एक रिक्वेस्ट बताएं, क्या रिक्वेस्ट है? फेल अमर सलासी मुजर्रद, ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवाज थोड़ी सी खराब आ रही है, तो आप एक बार अपनी आवाज खोल के चेक कर लें। जी बिल्कुल, वापस से ये कल का टॉपिक जो है वापस से ही कर रहा हूं। अच्छा, हमारा कनेक्शन अनस्टेबल। एक बार ये तो कनेक्शन नहीं शो हो गया। अच्छा, आप माइक इश्यू वो चेक कर रहे हैं और उम्मीद है आवाज कट नहीं रही होगी। जी हम इंशाल्लाह फेल सलासी अमर जो है वो सलासी मुजरद का वापस कर रहे हैं। इंशाल्लाह फेल हम काफी बार कर चुके हैं। अमर का यहाँ पे क्या मानना था? अमर से जिसमें क्या हो, तलबुल फेल हो, फेल के किए जाने की तलब हो, ठीक है, डिमांड हो के कि वो तीन तरह हो सकता है। एक तो हुक्म के माने में हो सकता है, हायर अथॉरिटी अपने से नीचे वाले को कह रही हो, या रिक्वेस्ट हो सकती है जब तो छोटा बड़े को खाएगा। ठीक है जी, सलासी और मुजरद भी हम काफी बार कर चुके हैं। अमर का जो सीगा है वो किसके साथ खास है? वो हाजिर और यानी हम कर रहे हैं अभी, हाजिर और मुखातब के साथ है, यानी अंता अंत अंतुम अंती और के साथ हम जो कर रहे हैं वो इन चार सीओ के साथ आएगा। सफी भाई ऑनलाइन है, चेक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आवाज कट रही है वापस। थोड़ी देर खोल के रखें। ठीक है, एक तो ये कि अमर का जो बात है जो हमारे सिलेबस में ये चार सीखे होंगे, अंता अंतुम अंती अंतुन्ना, ठीक है, और इसको बनाया किससे? मुजारे से। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम नोट्स वाले जो स्टेप्स हैं, हम नोट्स में जो हमारे पास स्टेप्स हैं उनमें पहला स्टेप क्या है, फेले मुजारे के वाले यानी अंता का जो सीगा होता है वो क्या होता है, तफ आलू स्टेप। हमने मुजक्कर फेले मुजारे के वाहिद मुजक्कर के, यार ये आवाज कटने की कंप्लेन आ रही है, सही आ रही है? अच्छा, हमारे ठीक है जी, ओके जी, आवाज हम के फेले मुजारे के वाहिद मुजक्कर हाजिर के सीधे को लें, वो हमने किया तफ आलू, ये सीधा आ गया हमारे पास तफ आलू। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप फेले मुजारे की ता को हमजा से बदल दें, फेले मुजारे की ता को हमजा से बदल दें, तो ये तफ आलू से आ गया हमजा और फिर आलू।
तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है आखिरी के एराब को जजम से तब्दील कर दें, यानी फेले मुजारे को मजजूम कर दें। तो वो हमने कैसे किया? यहां पे इस सीरे में हो जाएगा लाम साकिन इफ़अल। और चौथा स्टेप क्या है हमारे पास? ऐन कलमे की हरकत को जहन में रखते हुए हमजा की हरकत दें। ऐन पे फतहा और कसरा की सूरत में हमजा को कसरा और एन पे जम्मा की सूरत में हमजा को जम्मा दे। ठीक है जी। तो अब यहां पे हमारे पास फतहा है तो हमने कसरा लगा दिया तो ये सीगा बन गया इफ अल। ठीक है। अब जैसे नोट्स में है तीन एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पहले है तज़रिबु, तज़रिबु, तज़रिबु फेल मुबारक के वाहिद मुजक्कर हाजिर के सीगे को लिया, ज़रबा यज़रिबु से तज़रिबु, फेल मुजारे की ता को हमजा से बदला, ता हटा के हमजा लगा दिया। तीसरे स्टेप में आखिरी के एराब को जज़्म से तब्दील कर दें। आखिरी के एराब को जज़्म से तब्दील कर दें, बा साकिन हो गया आखिर का, और ऐन कलमे की हरकत को जहन में रखते हुए हमजा को हरकत दे दें। यहाँ पे ऐन जो है रॉ की जगह पे कसरा था तो हमजा पे भी कसरा आ गया तो सीगा बन गया एवरेब। ठीक है जी, एवरेब। इस तरह तख्तुलु को लिया, तख्तुलु अंत तख्तुलु, ता को हमजा से बदला, हमजा आ गया। आखिर में जजम दे दिया, लाम साकिन हो गया और एन के कलमे को देखते हुए एन कलमे की हरकत को यहाँ पे जो ता है उस पे जम्मा है तो शुरू में हमने हमजा पे जम्मा लगा दिया तो सीगा बन गया उक्तुल, उक्तुल। समीहा यस्माउ अंत तस्माउ फा अंत इस्मा, अमर बन गया इस्मा। ठीक है जी, इस्मा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, आपने जो है उनका अमर बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। यद खुलू, यद खुलू, इसका अमर क्या बनेगा? वो सारे स्टेप्स आप अपने पास खुद के फेले अमर क्या बनेगा इसका? यद खुल, हमजा लगाया, ऐन कलमे की हरकत को देखा, ऐन कलमा यहां पे मदमूम है, उद खो और लाम को कर दिया मजूम, उद खुल, यज लिसु, जलसा यज लिसु, जल के थे जलसा यज लिसु, उनमें से बाप कौन सा है? जलसा हमारे पास टोटल छह बाप थे। पहला था फतह यफ्तहु, दौरबा यज़रिबु, तीसरा था नसरा यंसुरु, चौथा था समीआ यस्तु, करुमा यक्रुमु। ये है जलसा यजलिसु। तो ये कौन सा बाप हुआ? जलसा यजलिसु बाब कौन सा हुआ? वरबा बासा यजलिसु। ठीक है। इसका अमर आपने क्या बनाया? इसका अमर आपने बनाया अंत तजलि का है तो हमने कहा एज लिस, एज लिस। पीछे एक सवाल, अगर हम कहेंगे तो इसका मतलब हमने इसको मज़ूम नहीं किया, तो जब हम मज़ूम करेंगे तो ये हो जाएगा उदखुल,
खुद नजरा यन्जुरु, ये बाप कौन सा नजरा यन्जुरु, नजरा ये क्या ये फतह है, यफ्तहु है, ज़रब यदरिबु है, नसरा यंसुरु है, समिया यस्मा है, हसीब नसरा यंसुरु, नजरा यंजुरु, इसका फेल अमर क्या बनेगा, यंजुरु से फेल अमर क्या बनेगा, अंत तंजुरु और एन मजमूम है तो हमजा भी मजमूम आएगा, उन्जुर उन्जुर, दौत के साथ नहीं है ये, ज़ा के साथ है, ठीक है, उन्जुर, नजर यंजुर का माना होता है देखना, तो उन्जुर का माना आप देखें। मैं आपको ये बताता हूं साकिन और जज़्म में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। करुबा यक़रुबु, करुबा यक़रुबु, ये बाप कौन सा हुआ, करुबा यक़रुबु बाब कौन सा हुआ, करुबा यक़रुबु ये बाब हुआ, करुमा यक़रुमु, करुमा यक़रुमु, तो इसका फेले अमर क्या बनेगा, करुबा यक़रुबु से उक़रुब, उक़रुब, ठीक है, उक़रुब का माना हो जाएगा कि आप करीब हो, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया हमारा फेले अमर का बुनियादी सीगा और उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। अब बीच में जो एक सवाल आया था और वो सवाल था साकिन और मजजूम में क्या फर्क है, ठीक है, जम्मा और रफा में क्या फर्क है, वम्मा और रफा में क्या फर्क है, वम्मा और रफा में क्या फर्क है, बारकल्लाहु फीकी, रफा जो है वो एक हालत है, कौन सी वाली हालत है, एराबी हालत है, ठीक है, रफा नसब और तीसरी हमने पढ़ी थी जर, ये हैं एराबी हालात, किसकी एराब, ये किसका एराब था, ये था एराबुल इस्म, ठीक है, इस्म का एराब था रफा नसब और जर, और एक थी हरकात, हरकात कौन कौन सी थी, वम्मा फतहा और कसरा, जिसको हम पेश जबर और जेर कहते हैं, ये है हरकात, और हरकत का ना होना हमने क्या कहा था कि क्या होता है, अदमुल हरका किसको कहते हैं, साकिन को, ठीक है, साकिन होता है इसका मतलब है उस पर कोई हरकत नहीं है, तो वो भी एक तरीके से अगर हम देखें तो हरकत की एक किस्म हो गई कि अगर हरकत ना हो तो उसको कहते हैं साकिन, तो साकिन का जो ताल्लुक है वो है हरकात से, ठीक है, जब एक हर्फ को हम कहेंगे कि ये साकिन है यानी कि उस पर जम्मा फतहा और कसरा नहीं है, जिस तरह इसम का एराब होता है रफा नसब और जर, फेल का एराब होता है रफा नसब और जजम, ठीक है, फेल में जर नहीं होता बल्कि जजम होता है, ठीक है, तो जजम जो है ये एक तरह का एराब है, ये हरकत नहीं है बल्कि एराब है, और किसका, जजम है फेल का एराब, जजम कभी भी इसम को नहीं कहा जाएगा और फेल को कभी भी जर नहीं कहा जाएगा, जर हालत जर खास है इसम के साथ और हालत जजम खास है फेल के साथ,
रफा इसम में भी होता है, रफा फेल में भी होता है, नसब इसम में भी होता है, नसब फेल में भी होता है, लेकिन इसम में तीसरी जो तीसरा जो एराब है वो है जर, जबकि फेल में जो तीसरा एराब है वो है जजम। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये आपका सवाल क्लियर हुआ कि जजम और साकिन में क्या फर्क है। जजम एराब के फेल के एक एराबों में से एक एराब है, जबकि साकिन और सुकून जो है उसका ताल्लुक हरकत से होता है। हरकत इसम पे भी आ सकती है, फेल पे भी आ सकती है और हर्फ पे भी आ सकती है। ठीक है, तो आपको साकिन जो है वो इसम में भी मिलेगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई एग्जांपल दे ऐसा इसम जिसमें कोई ना कोई हर्फ साकिन हो। फीलुन, फीलुन का क्या माना होता है? हाथी। ठीक है, फीलुन में या पे क्या हरकत है? या साकिन है। ठीक है, इसम में साकिन आ गया। हम फेल मुजारे जब देखते हैं तो हम मिसाल के तौर पे कहा मैंने यक रूबू, ये फेल आ गया, क्या इसमें कोई साकिन है? इसमें जो कौफ है वो साकिन है, यक रूबू। और कोई हर्फ देख लें जैसे कि मिन, इसमें भी साकिन है, नून साकिन है इसमें। तो साकिन या हरकत जो है वो इसम में भी होती है, फेल में भी होती है, हर्फ में भी होती है, लेकिन ये जो जज़्म है ये सिर्फ और सिर्फ फेल की एक एराबी हालत का नाम है। इसम को कभी भी मज़्ज़ूम नहीं कहा जाएगा, ना हर्फ को कभी भी मज़्ज़ूम कहा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फेल जो है वो हालत जज़्म में आ सकता है। ठीक है जी, अच्छा अब इसको यहाँ पे आ जाए जरा सा, हम फेल अमर देख रहे हैं। फेल अमर हमने देखा था अगर सीगा जो है मुजारे का यफ आलू है तो फेल अमर क्या बना था? यफ आलू से हुआ यफ आलू, अंत तफ आलू, इफ अल। ठीक है, इफ अल, अंत इफ अल, अंतुम के लिए हो जाएगा इफ आलू, इफ आलू। ठीक है, इफ आलू, अंती के लिए हो जाएगा ये इफ आली, अंती इफ आली, और अंतुन्ना के लिए हो जाएगा इफ अल्ला, इफ अल्ला। ठीक है जी, इफ अल्ला। अब अगर मसलन मैं फतह यफ्तहु को देख रहा हूं तो फेल अमर क्या बनेगा? फतह यफ्तहु, अंत इफ फतह यफ्तहु से फेल अमर इफ्ताह, इफ्ताह अंत, इफ्ताह अंतुम, इफ्ताहु अंतुम, इफ्ताहु अंती, इफ्ताही अंतुन्ना, इफ्ताहना। ठीक है, अगर कबूरा यक बुरु, कबूरा यक बुरु से मैं कर रहा हूं तो अमर क्या बनेगा? कबूरा यक बुरु, अंत कबूरा, काफ बा और रा, अंत उक बुर, उक बुर, अंतुम उक बुरु, अंती उक
बुरी अंतुन्ना उक बुरना। ज़लमा यज़लिमु, ये बाप कौन सा है? ज़लमा यज़लिमु, या चलें ज़लमा को छोड़ें, अदला या अदिलु, ये कौन सा बाप है? अदला या अदिलु। बाप हमारे पास छह हैं, फतहा यफ्तहु, दरबा यदरिबु, नसरा यनसुरु, समीआ यस्माउ, हसीबा या हसीबु, और करुमा यकरिमु यकरुमु, अफन करुमा यकरुमु। तो अदला या अदिलु यह है, दरबा यदरिबु या अदिलु, इसका फेल अमर क्या आएगा? अदला या अदिलु, ए दिल जमा क्या आ जाएगी? ए दिलू वाहिद मुअन्नस अंति, ए दिली और अंतुन्ना, ए दिलना। अच्छा, ये असल में किस तरह हो रहा होता है? एक सेकंड नोट से एक बार देख लें। देखें, जब आप मुझे थोड़ा सा अगर वाजह कर सकें कि आपको इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, तो मैं शायद बेहतर तरीके से इस कंसर्न को डील कर सकूं। ये टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो मैं आप चाह रहे मैं वापस इसको बता दूं कहां से समझ नहीं आ रहा, क्या चीज समझ नहीं आ रही। अच्छा, बाकी जो है इसको जरा सा देख रहे हैं। इस्मा अंता के लिए इस्माउ, इस्माई और इस्माना, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बता रहा हूं, ये जिनको समझ में आए वो समझ लें, जिसको समझ में ना आए वो इसको छोड़ दें, ठीक है। इसमें ही आपका साकिन और मज़ज़ूम का थोड़ा सा फर्क वाज़े हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया था कि अमर बनता है फेल मुजारे से, जब सीगा है तफ अल, तफ आलू, सॉरी तफ आलू, तो पहला स्टेप अलामत मुजारे हटा दी थी, फा साकिन की वजह से हमजा लगाया था, और आखिर से उसको मजजूम किया था, तो ये हमारे पास बन गया था इफ अल, ठीक है। इफ अल, यहां पे लाम मजजूम है और उसकी जजम की अलामत क्या है? लाम मजजूम है और उसकी जजम की अलामत क्या है? साकिन या सुकून, ठीक है। लाम साकिन है, ये इस चीज की अलामत है कि इफ अल जो है वो मजजूम है। जब हम अंतुम का सीगा लेते हैं तो मुजारे का अंतुम का सीगा है क्या? मुजारे का अंतुम का सीगा क्या है? अंतुम तफ अलूना, अंतुम तफ अलूना, ठीक है। जब मैं इस फेल मुजारे पे तफ आलूना पे वही स्टेप्स लगाता हूं, सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने ता हटा दिया, ठीक है। फा में प्रोनाउंस नहीं कर सकता, इसलिए मैंने क्या किया? शुरू में हमजा लगाया। हमजा की हरकत कैसे चेक करूं? एन को देखा,
एंड पे जम्मा है नहीं है तो हमजा पे मैंने क्या लगा दिया, कसरा लगा दिया। अब मुझे फेल मुजारे को क्या करना है, मजजूम करना है ना। तो इस ये जो चीज लिखी हुई है इसको मैं मजजूम कैसे करूं, अगर मजजूम और साकिन एक ही चीज होती तो मुझे क्या कर देना चाहिए था, नून को साकिन कर देना चाहिए था, ठीक है, मुझे इसको साकिन कर देना चाहिए था। लेकिन मजजूम का मतलब साकिन नहीं होता, इस सीगे में मजजूम कैसे होगा, इस सीगे में मजजूम होगा नून को हटा के, नून को हम हटा देंगे, नून को हटा दिया तो रह गया इफ आलू। इस वाव के आखिर में मैं एक अलिफ क्यों ऐड कर रहा हूं, जमा की अलावत के लिए, ठीक है, कि ये जमा का सीगा है, सिर्फ इस वजह से अलिफ ऐड कर रहा हूं। अंती का क्या सीगा होता है मुजारे में, अंती का क्या सीगा होता है, अंती नहीं वाहिद मुअन्नस का, अंती तफ अलीना, अंती तफ अलीना, इस पर भी मैं वही स्टेप्स अप्लाई कर रहा हूं, ता हटा दिया शुरू से, हमजा लगाया, हमजा की हरकत के लिए ऐन को देखा, क्या लगाऊं, कसरा लगा दिया। अब आखिर में जब मुझे मजजूम करना है, मजजूम के लिए मैं क्या करूंगा, नून हटाऊंगा यहां से भी, ठीक है, साकिन नहीं कर रहा आखिर को, नून पूरा हटा रहा हूं, तो ये बच गया इफ आली। तो ये जो सीगा है तफ आलीना, इसका मजजूम कहलाता है नून को गिरा के, ठीक है, क्योंकि इसमें या तो ऑलरेडी साकिन था तो या वैसे ही साकिन रहा, इस सीगे का मजजूम कहलाएगा नून को ड्रॉप करके, ठीक है। अंतुन्ना का क्या सीगा था, अंतुन्ना, अंतुन्ना हुन्ना नहीं, तफ अल्ला, मुखातब के जितने भी सीगे हैं वो सब ता से शुरू होते हैं, ठीक है, अंतुन्ना तफ अल्ला, फिर वही चीजें की, आखिर में आती है जब मजजूम करने की बात, तो जमा मौनस का जो सीगा है वो है मबनी। मबनी का क्या मतलब है कि ये किसी भी एराबी हालत में होगा तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो जब हालत मजजूम भी है तब भी ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इसके आखिर में जो नून है उसको क्या कहते हैं, जमा मुअन्नस के सीरे के जो आखिर में नून होता है, और ये नून हमेशा से चला आ रहा है, जमायर में भी हमने देखा था हुन्ना अंतुन्ना, हुन्ना कुन्ना, फाअलना फाअलना और फाअलना फाअलतुन्ना, यफअलना तफअलना, इन सब सीरों में ये आखिर में नून है, इसको हमने कहा था नूनुन निस्वा, ठीक है, ये कहीं से भी नहीं जाता, ठीक है, ना माजी से कभी जाता है, ना मुजारे से कभी जाता है, और ना अमर में कहीं जाता है, तो ये हमेशा रहता है, इसलिए इसको कहते हैं ये नून जो है ये, यानी ये सीगा जो है मबनी है। अब इफ अल है, लेकिन क्या इसके आखिर में साकिन है क्या, इसके आखिर में साकिन नहीं है, तो जजम और साकिन एक चीज नहीं है, बल्कि जजम एक एराब का नाम है और साकिन हरकत के ना होने को कहते हैं, ठीक है। अगर आपको पहले एराब और हरकत का डिफरेंस याद है तो फिर ये चीज भी समझने में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि साकिन का ताल्लुक है हरकत से। साकिन कलमे के बीच में भी आ सकता है, कलमे के आखिर में भी आ सकता है, और इसम पे भी आ सकता है, फेल पे भी आ सकता है, हर्फ पे भी आ सकता है, लेकिन जज़्म किस कलमे में आएगा, कलमे की किस किस्म में आएगा जज़्म,
सिर्फ और सिर्फ फेल में आएगा। इसम को कभी भी मज़ूम नहीं कहेंगे और हर्फ को भी कभी भी मज़ूम नहीं कहेंगे। दूसरी बात यह कि जज़्म फेल में कहां पे आएगा, शुरू में, बीच में या आखिर में? सिर्फ और सिर्फ आखिर में आएगा, क्योंकि एराब क्या होता है? एराब इसम या फेल के आखिरी में होता है, ठीक है, लास्ट में, एंडिंग में होता है, वो एराब होता है, बीच में नहीं होता एराब, ठीक है। रफा नसब जर भी जब हम देख रहे थे तो हम आखिर में देख रहे थे, तो इसी तरह जज़्म भी जो होगा वो फेल के आखिर में अगर होगा तो होगा, ठीक है जी। तो ये एक हो गया फेल अमर का। अगर अलामत मुजारे का बाद हर्फ साकिन हो तो हम हमजा ऐड नहीं करेंगे। जी आपकी बात ये सही है, अगर वो साकिन नहीं होगा तो हम हमजा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये फेल अमर के हमने चार सीगे देख लिए, इफ़अल, इफ़अलू, इफ़अली और इफ़अलना, या फिर उफ़उल, उफ़उलू, उफ़उली, उफ़उलना, या फिर इफ़इल, इफ़इलू, इफ़इली और इफ़इलना, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मुजारे किस वजन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेल अमर, इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। हम एक टॉपिक एक और देख लें और वो है हमारा अमर का ऑपोजिट। अमर का ऑपोजिट क्या होता है? अमर का ऑपोजिट कहलाता है नहीं। ये अरबी में जब हम कहेंगे इसको तो वर्ड होगा नहयुन, ठीक है, नहयुन। फेले नहीं भी कहलाता है, तो फेले नहीं। अमर में क्या चीज थी? अमर की अगर आपको डेफिनेशन याद हो, मैंने क्या लिखी थी उसमें, क्या होता है? तलबुल फेल, फेल की जाने की तलब होती है। नहीं इसका ऑपोजिट होता है, इसमें होती है तलबु तरकिल फेल। तरकिल फेल का माना क्या होगा? काम को छोड़ देना, ठीक है, काम से रुक जाना। अमर में था तलबुल फेल, नहीं में होता है तलबु तरकिल फेल, के फेल ना हो। जैसे अगर आपको कहा जाए कि आप इधर मत बैठे, आप पानी ना पिए, आप ना लिखें, आप ना देखें, आप मत खड़े हो, आप मत बाहर जाएं, ये सारे क्या है कि आप एक काम को छोड़ दें। ये सीगा जब इस्तेमाल होता है तो उसको हम कहते हैं नहीं, ठीक है। और इसको बनाना बहुत आसान है। क्या करना है? हम फेल मुजारे लेंगे, मिसाल के तौर पे यफालू, ठीक है। इस फेले मुजारे से पहले हम लगा देंगे ला। फेले मुजारे से पहले लगा देंगे ला, और इस ला की वजह से हम फेले मुजारे को कर देंगे मज़ूम। ला यफ मज़ूम कैसे हो जाएगा? ला यफ अल, ला यफ अल, ला तफ अल, ला तफ अली, ला तफ अलू, ला तफ अल्ला, ठीक है। जो भी सीगा था मुजारे ला लगा देंगे तो वो बन जाएगा उसका नहीं। जैसे कि ला यफ, ला यफ ला तफ अल्ला, ला यफ अल्ला, क्यों? ये मज़ूम ही है, नून निस्वा नहीं जाता। ला अल, ला आगे क्या हो जाएगा? अंतुम लू, अंती ला तफ अंतुन्ना ला तफ अल, अल नहनु ला नफ अल, ठीक है। सिर्फ ला लगा दिया और मुजारे को मज़ूम कर दिया। जब मुजारे को मज़ूम कर दिया तो इसका माना हो गया कि हमने इस कि अब इस फेल के अंदर माना आ गया है कि इस काम को ना किया जाए, इस काम को छोड़ दिया जाए।
क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, एक सेकेंड नोट्स में जरा देखने, फेले नहीं, फेले नहीं के ना करने का हुक्म दिया जा रहा हो, यानी कि उस काम को छोड़ने का हुक्म दिया जा रहा हो, ठीक है। और आखिर में जजम लगाकर बना दिया जाता है, जैसे ला तस्मा, ठीक है। एग्जाम्पल आगे क्या टॉपिक है, हम ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम पहले हम देखेंगे अमर को, ठीक है, नजारा आता है नून से, तो आप इसका पहले मुझे मुजारे बताएं क्या आएगा। नजारा आता है यंसुरु, तो नजारा यंजुरु, नजारा अमर क्या बन जाएगा, अमर क्या बन जाएगा, नजारा यंजु, हमजा लगाया, एन पे जम्मा है तो उन जुर, आखिर अंतुम उन उन्ती अंती उन जुरी अंतुन्ना उन जुर्ना, ठीक है। अंता उन्जुर, अंतुम उन्जुरु, अंती उन्जुरी, अंतुन्ना उन्जुरना, ये हो गया हमारा अमर। अब अगर हम नहीं को देखते हैं तो ला यंजुरु, अंता ला तंजुरु, और जजम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ला तन ला तंजुर, अंता ला तंजुर, अंतुम ला तन जुरू, अंती ला तन जुरी, अंतुम ला तन जुरना, ठीक है। यंजुरु ला तंजुर, ला तंजुरु, ला तंजुरी, ला तंजुरना, तुम एक मुजक्कर मत देखो, तुम सब मत देखो, तुम एक औरत मत देखो, तुम सब औरतें मत देखो। दूसरी हमारे पास जो एग्जाम्पल है नोट्स में वो है फतह यफ्तह की, फतह यफ्तह तो मैंने बता दिया, चले रहीमा, बाब है रहीमा का बाब है सीन, रहीमा समीआ यस माउ से, समीआ यस माउ, तो रहीमा यर हामु, रहीमा यर हामु, अंता तर हामु, अमर क्या बन जाएगा इसका, अमर, अमर पहले अमर बनाए, यर हामु तर हामु, ता हटाया, हमजा लगाया, हमजा पे हरकत क्या दी, कसरा इरहम, इरहम आगे जमा अंतुम इरहमू, अंती इरहमी, अंतुन्ना इरहमना, इरहमना, अंता इरहम, अंतुम इरहमु, अंती इरहमी, अंतुन्ना इरहमना। अब हम जब नहीं पे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यरहमु अंता तरहमु, ला
तरहम, ला तरहम अंतुम, ला तरहमु अंती, ला तरहमी अंतुन्ना, ला तरहमना। ठीक है जी। अब आप थोड़ा सा टाइम लें और कम से कम, देखिए एक सेकेंड, हाँ चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये पेज नंबर 46 जो है, 46 में यहाँ पे हमारे पास दो फेल है, एक है रजा और दूसरा है गफरा। हम एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। कहाँ क्या डेट है? ओके, रजा ये बाब है, कौन सा रजा, किसी को पता है? रजा नहीं, जराबा नहीं है, यरजिउ होता है, यरजिउ या यरजाउ, इरजिउ, तो यरजिउ, रजा यरजिउ दरबा यद्रिबु के वजन पे, इरजिई जी, कुरान में भी आया था ना, याद नफ्स मुतमईना इरजिई जी, यरजिउ अमर क्या हो जाएगा? बाब ज़रबा से ही है, रजा यरजिउ अमर क्या बन जाएगा इसका? एर, मैं यहां पे नहीं लिख रहा, मैं अपनी एक्सेल की फाइल पे लिखता हूं, यहां पे फिर क्लियर नहीं आ रहा। रजा ये है बाब दरबा से, रजा यरजिउ। आप नोट्स में साथ साथ उसको फिल कर लीजिएगा चाहे तो। पहले अमर बन गया, एर जेर जमा क्या बन जाएगी? अंतुम, एर जेउ अंति, जेई अंतुन, एर जेना अंतुन, एर जेना। और अगर नहीं को देखें तो क्या हो जाएगा? यर जेउ ला तर जेर अंतुम, ला तर जेउ अंति, ला तर जेई अंतुन्ना, ला तर जेना। अब एक मैं ओरली कर रहा हूं, मैं इसको लिख नहीं रहा। ये बाब है गफारा, गफारा बाब दरबा से, गफारा यग़फिरु, दरबा यद्रिबु, गफारा यग़फिरु अमर क्या हो जाएगा? इग़फिर अंता, इग़फिर अंतुम, इग़फिरु अंति, इग़फिरी अंतुन्ना, इग़फिरना। नहीं को देखेंगे तो यग़फिरु ला तग़फिर अंतुम, ला तग़फिरु अंति,
ला तगफिरी अंतुन्ना। अब आप यहां पे जो रह गए हमारे पास पेज 45 पे, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये चीज उतनी ज्यादा आपके जहन में इंशाल्लाह बैठ जाएगी, और एक बार बैठ जाएगी तो फिर निकालना इंशाल्लाह थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, नजरा यंजरू का हमने देख लिया था, किस बाब से आता है? सबरा यसबिरु, बारकल्लाहु फीकी। दरबा हदीस से कोई आयत याद है? कौन सी हदीस में था? एक दुआ भी तो है, सबर के हवाले से कोई आयत याद नहीं है किसी को? मुझे भी आती है। واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة و... तो वहां पे क्या हुआ है? इसबिर, साबिरू तो अलग चीज है, साबिरू अलग चीज है, असाबिरीन भी अलग चीज है। इसबिर अलामा असाबा का भी ठीक है। तो सबरा यसबिरू, बाम जराबा यजरिबू, जलमा ज़लमा यज़लिमु, ये भी बाम ज़रबा से, ज़लमा यज़लिमु, आलिमा आलिमा या लमु, कौन सा बाब हुआ? फतह में आलमा होता, आलिमा या लमु, इलम फालम अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, समीआ समीआ यस्माउ, आलिमा यालमु, फोर वाला था ज़लमा यज़लिमु, आलिमा यालमु, सजदा यस्जुदु, इसमें तो बहुत सारी आयत है, आयत कोई उस जुद फसजुदी ले रबिक है, फसजुदी ले रबिक नहीं, सजदा यसजुदू, रहीमा हमने कर लिया, रहीमा क्या बात था? रहीमा यरहमू, समिया यस्माउ, और गफ्फारा यग़फ़िरु भी हमने देख लिया। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, इसी तरह आप अमर के सारे सीगे बनाए, फिर आप नहीं के सारे सीगे बनाए इनके। वस्जुद वक्तरिब, जी ये बिल्कुल सही है, सजदा वो आपकी जो एग्जाम्पल है सजदा लिल्लज़ी खलक़हु, ये माजी की एग्जाम्पल है, अमर की नहीं है। सिर्फ जम्मा आएगा वो भी इस कुल्ला मलाइकत इस जुदू, उस जुदू वहां पे भी है, ठीक है जी, उस जुदू। अरे है यस जुदू, खैर मुजारे की भी एग्जाम्पल सही है। जमा मुअन्नस नहीं, एक दफा लिख के दे यग़फ़िरु ला तग़फ़िरना, इग़फ़िरना ला तग़फ़िरना,
ठीक है जी, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, अभी भी अगर टाइम मिलता है आप अभी कर लें, कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह फिर पूछ लीजिएगा। फिर हो जाएगा ये एग फिर, और नहीं हो जाएगा इसका ला तो फिरना, फिरना ला तो फिरना, गफर और यगफिरु कौन सा बाप बना, जराबा यगरिबु, दराबा यगरिबु, गफरा यगफिरु। ठीक है जी, जिनको क्लियर नहीं है पहले कोशिश कर लें, वो कल की और आज की रिकॉर्डिंग्स देख लें, और जो नोट्स में स्टेप्स हैं उनको भी एक बार फॉलो कर लें। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो इंशाल्लाह जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास हो तो उसमें आप बिल्कुल सवाल कर लीजिएगा, मैं उसको इंशाल्लाह वापस से क्लैरिफाई कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसकी आप कोशिश करके ये जो आपके नोट्स में जो एग्जाम्पल्स हैं इनकी पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इतनी काफ़ी होगी, उसके बाद फिर हमारा नया टॉपिक आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभानकल्लाहु व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सजदा यसजुदु नसरा यंसुरु के वजन पे आता है, सजदा यसजुदु। और अब आप कोशिश करके अपनी आदत बनाएं कि जब भी आप किसी फेल का बता रहे हो तो आप उसका माजी मुजारे दोनों साथ बोलिएगा, अलिमा या आलमु, सबरा यसबिरु, फतहा यफ्तहु, ताकि आपके जहन में वो कॉम्बिनेशन साथ साथ बैठ जाए कि ये फेल किस वजन पे आता है। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।